क्या आपकी क्रिकेट में दिलचस्पी है? क्या आप फिल्मों के शौकीन हैं? अगर हाँ तो यकीन मानिए आज आपका दिन बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है यादों के झरोखे से, और मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर खान। मैं हूँ आपके साथ वैशाली। यादों के झरोखे के इस पिटारे से आज हम समेट कर लाए हैं आपके लिए उस शख्सियत से जुड़ी कहानी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 48 टेस्ट मैच और 75 वनडे मैच खेले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के उस स्टार ओपनर बल्लेबाज ने क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया, हिंदी फिल्मों में एंट्री मार दी, और पता है पाकिस्तान के उसी शख्स को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने वाली वो कौन सी सिने तारिका थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया? क्योंकि ये वो दौर था जब वो अपने प्रोफेशनल करियर के पीक पर थे। आज उसी ग्लैमरस केमिस्ट्री के राज हम आपको बताएंगे। ये थी सारा अली यानी रीना रॉय। ये साल 1972 था जब रीना रॉय ने जरूरत फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। बहुत जल्द रीना रॉय माया नगरी में छा गई और 1980 आते आते वो अखबारों की सुर्खियां बनने लगी, मैगजीन्स के कवर पेजेस पर दिखने लगी, और बहुत जल्द वो सबसे मशरूफ और हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी अदाकारा बन गई। बॉक्स ऑफिस पर रीना रॉय का नाम कामयाबी की गारंटी बन गया। वैसे रीना रॉय ने कुल मिलाकर 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया। और वो थे मोहसिन खान। वो साल 1978 था और तारीख 18 जनवरी, जब मोहसिन ने बाकायदा पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया और 16 मार्च 1986 को वनडे क्रिकेट का आगाज किया। मोहसिन क्रीज पर बतौर ओपनर बल्लेबाज पाकिस्तान के उभरते चमकते दमकते क्रिकेटर बन चुके थे। टेस्ट मैचों में 37.10 की औसत से 2709 और 75 वनडे मैचों में 26.81 की औसत से 1877 रन बनाकर मैदान पर अपनी बल्लेबाजी के झंडे गाड़ने वाले मोहसिन मैदान के बाहर भी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर खासी चर्चाओं में रहे। यहां तक कि मोहसिन हसन खान पाकिस्तान के जूनियर बैडमिंटन चैंपियन भी बन चुके थे। तो ये तो बात हो गई रीना रॉय और मोहसिन खान की प्रोफेशनल करियर की, और अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री की। आखिर कैसे बनी इनकी बात, कैसे नजदीक आए दो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े मोहसिन और रीना। दरअसल हुआ यूं के इत्तेफाक से लंदन में अमिताभ बच्चन ने एक कॉन्सर्ट करवाया जिसमें मोहसिन खान और रीना रॉय की मुलाकात हो गई, और यहां से शुरू हुआ रीना रॉय और मोहसिन खान का लव कनेक्शन जो 1 अप्रैल 1983 को शादी में तब्दील हो गया। फिल्मी हलचल पर बारीकी से नजर रखने वालों का ऐसा भी मानना है कि इस शादी को मुकम्मल करवाने में जया बच्चन का भी रोल रहा है, क्योंकि रीना रॉय के मन में मोहसिन खान से शादी को लेकर कई सवाल थे जिनका माकूल जवाब जया बच्चन ने रीना रॉय को दिया कि दौलत इज्जत शोहरत तुमको मिल चुकी है और अब बारी है घर बसाने की। अगर तुम्हें मोहसिन से वाकई में लगाव है तो शादी में देर करना बेमानी बात है। वैसे वैशाली, रीना रॉय से जुड़े एक और राज का फाश यहां मैं करना चाहूंगा। दरअसल मोहसिन खान से पहले रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच काफी नजदीकियां थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जग जाहिर थी। किस्से कहानियों में दोनों को लेकर उस जमाने में खूब अटकलें लगाई गई, लेकिन पहले से शादीशुदा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बात नहीं बन पाई, और इस दौरान रीना रॉय मोहसिन खान के कॉन्टेक्ट में आई और 7 साल की दोस्ती शादी में बदल गई। यकीनन रीना रॉय के लिए अपनी ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर किसी पाकिस्तानी के साथ शादी करने का फैसला आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बहरहाल शादी के बाद मोहसिन खान का भारत आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। आखिरकार मोहसिन खान ने भी सबको चौंकाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट को अलविदा कह दिया और रीना रॉय की बदौलत बॉलीवुड में एंट्री कर ली, और 1989 में जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा से बॉलीवुड में डेब्यू कर डाला। मोहसिन खान ने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग के जौहर दिखाए जिसमें ब्लॉकबस्टर साथी भी शामिल है। शादी के बाद मोहसिन खान और रीना रॉय ने ज्यादातर वक्त लंदन में बिताया। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका मोहसिन खान की तरफ से नाम रखा गया जन्नत और रीना रॉय की तरफ से रखा गया सनम।
फिलहाल रीना अपनी बेटी सनम के साथ मिलकर मुंबई में एक्टिंग स्कूल चला रही है। मोहसिन खान चाहते थे कि वो लंदन में परमानेंटली सेटल हो जाए, पर रीना रॉय का इस पर एतराज था। यही वजह भी रही शादी टूटने की और दोनों की रजामंदी से तलाक हो गया। रीना रॉय ने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कबूल किया कि हम लोग अलग अलग सोच के मालिक थे, हमारा लाइफस्टाइल एक दूसरे से जुड़ा था जिसका हमें देरी से ही सही लेकिन पता चल गया। हालांकि रीना रॉय ने ये भी कहा कि वैसे मोहसिन अच्छे इंसान हैं। फिल्मी गॉसिप की माने तो मोहसिन खान और रीना रॉय अब भी विदेशों में मिलते रहते हैं। मोहसिन खान ने भी कभी रीना रॉय के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं कही, यानी वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थे, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई ना थे। तलाक के बाद रीना रॉय ने फिर से फिल्मों का रुख किया और भाभी आदमी खिलौना है जैसी सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। रीना रॉय की आखिरी फिल्म थी रेफ्यूजी। उधर मोहसिन खान ने भी पाकिस्तानी फिल्मों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, यानी वो शख्स जो एक्टिंग में इन होकर क्रिकेट से आउट हो गए, वैसे कहना चाहिए कि खुद ही हिट विकेट आउट हो गए। वो शख्स जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटी क्रिकेटर रहे और बहुत जल्द हिंदी फिल्मों की पर्सनैलिटी बनकर उभरे, वापस पाकिस्तान लौट गए। वैसे जब कभी भी मोहसिन खान रीना रॉय से मिलते होंगे या जब कभी उनका ख्याल उनके जहन में आता होगा तो वो अपनी ही फिल्म का ये गाना गुनगुनाते तो जरूर होंगे। और रीना रॉय का जवाब कमोबेश इस अंदाज में होता होगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो? आपके बेशकीमती फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत ताकि हम ढूंढ सके आपके लिए कोई और कहीं अनकहीं सुनी अनसुनी कहानी। नमस्कार, आदाब।